नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। राहुल गांधी ने 2 जनवरी को 2 बार रफाइल पर बोल डाला, एक बार लोकसभा के अंदर और एक बार बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो साफ हो गई, कल राहुल गांधी ने अपनी हरी वाली जैकेट जो है वो धुलने को दे रखी थी, क्योंकि कल वाली जैकेट ब्लैक कलर की थी। उम्मीद है वो दोनों तरफ से उलट पलट के पहनने वाली जैकेट नहीं होगी, जो कि एक गंदी हो जाती है दूसरी तरफ से पहन लेते हैं। दूसरी चीज़, कल लोकसभा की बहस में साफ हो गई कि अगर डसॉल्ट कंपनी रफाल प्लेन देने से मना कर देती है और हमारा पैसा चिट फंड या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों की तरह डगाड़ जाती है तो भी हमको कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम एयरफोर्स को कागज़ के बने प्लेन दे देंगे, उनको उड़ाने के लिए पायलट भी सांसदों को ही बना देंगे। अरे यार, ये सब बकैती छोड़ो, राहुल गांधी के नाम आते ही लोग सार्कास्टिक होने लगते हैं और आप भी नहीं रोकते हमको। रोक लिया करो यार, कह दिया करो कि भारत जो है वो कांग्रेस मुक्त हो गया है, मरे हुए सांप पर लाठी मत भांजो। सवाल करना है या कटाक्ष करना है तो अब सरकार से करो। खैर, सरकार पर बाद में आएंगे, पहले राहुल गांधी के इस ट्वीट पर आते हैं जिससे ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। राहुल ने इस ट्वीट में लिखा था कि कल पीएम संसद में राफेल डील एग्जाम फेस करेंगे। सवाल ये होंगे, पहला सवाल, इंडियन एयर फोर्स को जब 126 विमान चाहिए तो सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे जा रहे हैं? दूसरा सवाल, 560 करोड़ रुपए प्रति विमान का दाम 1600 करोड़ कैसे हो गया? और चौथा सवाल, HAL की बजाय AA यानी अनिल अंबानी क्यों? इसमें तीसरा सवाल है ही नहीं, फिर से गौर कर लीजिएगा, तीसरा सवाल मिसिंग भाई साहब। यहाँ क्वेश्चन पेपर लीक होता रहता था आज तक, अब क्वेश्चन पेपर से सवाल ही लीक हो गया। राहुल गांधी जवाब दें कि कहाँ गया सवाल नंबर 3। एक मिनट, गर्मी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस घोटाले पर मिट्टी डालने की कोशिश भी राहुल गांधी ने तुरंत कर दी थी। उन्होंने अगला ट्वीट किया कि मैंने तीसरा सवाल वापस रख लिया था क्योंकि मैडम स्पीकर ने कहा था कि गोवा टेप पर बात नहीं होगी। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 रफाइल की तरह कंट्रोवर्शियल बन गया है, तो जनता की भारी डिमांड पर वो सवाल पेश है कि मोदी जी प्लीज़ बताइए, पारकर जी ने रफाइल की फाइल अपने बेडरूम में क्यों रखी और इसमें क्या है? अब कितनों सफाई दें राहुल गांधी, तीसरे सवाल पर भी संसद में बहस हो ही जानी चाहिए, है कि नहीं? वैसे इस वीडियो के नीचे भी, इस वाले वीडियो जो देख रहे हो उसके नीचे भी लोग गालियाँ देने जरूर आएंगे, देखना। लेकिन जब से मोदी जी ने बताया है कि उनकी सेहत 4 साल गाली खाने के बाद बनी है, हम बड़ा पॉजिटिव टाइप फील करने लगे हैं भाई लोगों। आपको कैसा लगा वीडियो हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियोस देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, और हमारा Facebook पेज है उसको लाइक कर लीजिए, और हमारा Android ऐप जो है उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए भाई। थैंक यू।